हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम मांग का नियम रिपीट करते हैं। मांग का नियम क्या था कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग में कमी और कीमत के कम होने से मांग में वृद्धि की इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। कहने का मतलब, मांग का नियम ये बताता था कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, यानी कीमत और मांग में उल्ट दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन मांग के नियम में ये नहीं बताया गया कि कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन की प्रवृत्ति को जो बताता है वो मांग की लोच होती है। तो मांग की लोच क्या है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है या क्षमता होती है, उसे मांग की लोच कहा जाता है। कहने का मतलब, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होगा। और आपने ध्यान रखना है, जो मांग की लोच होती है उसके आगे जो सूत्र के आगे जो चिन्ह लगता है वो माइनस का होता है, ऋणात्मक, जो हमें ये बताता है कि कीमत और मांग में उल्ट संबंध पाया जाता है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे, कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है या जो क्षमता होती है उसे मांग की लोच कहते हैं। सिंपल शब्दों में मांग की कीमत लोच ये बताती है कि कीमत के बढ़ने से मांग में कितनी कमी होगी और कीमत में कमी होने से मांग में कितनी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब, मांग का नियम केवल ये बताता था कि कीमत और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन कितना होता है ये मांग की लोच बताती है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा करते हैं। अर्थ क्या है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति या क्षमता होती है उसे मांग की लोच कहते हैं। तो स्टूडेंट, उसके बाद आपने ये तीन परिभाषाएं करनी है। पहली स्तंभ की है, दूसरी बोल्डिंग की और तीसरी है जॉन रॉबिन्सन की। स्तंभ ने क्या कहा है कि मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता, रिस्पॉन्सिवनेस का जो है माप है। फिर जो बोल्डिंग और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं, उन्होंने मांग की लोच को गणितीय ढंग से प्रस्तुत किया है, यानी मांग की लोच का सूत्र दिया है। तो बोल्डिंग ने तो प्रतिशत परिवर्तन को लिया है और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अनुपातिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया है। तो बोल्डिंग ने क्या कहा है, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। सूत्र के रूप में मांग की लोच, या यहाँ पे मांग की कीमत लोच भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा ईपी, इलास्टिस प्राइस इलास्टिसिटी। आपने क्या करा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो स्टूडेंट ध्यान देना, अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, कीमत को ऊपर लिख देते हैं और मांग को नीचे। मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर आएगा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे आएगा, क्योंकि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहा जाता है। फिर बोल्डिंग ने तो प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया है और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अनुपातिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात होती है। तो कहने का मतलब, सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे मांग की लोच कहते हैं। अब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो फार्मूला दिया है मांग की लोच का, वो क्या है, इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच क्या है, मांग की लोच प्राइस इलास्टिसिटी, इसका सूत्र क्या है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में
अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था पहले कीमत में परिवर्तन लेना है तो वो नीचे आएगा, ऊपर मांग में अनुपातिक परिवर्तन आएगा। इसको हम सूत्र के जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो x वस्तु है तो x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे एक्स वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, बटे कीमत, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन बटे एक्स वस्तु की प्रारंभिक कीमत। यानी ये क्या है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स। ये क्यू एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा। डेल्टा किसको बताता है, चेंज को। एक्स वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन आया क्वांटिटी में उसको एक्स वस्तु की प्रारंभिक मात्रा से अगर हम भाग दे दें तो वो मांग में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है, बटे क्या है, डेल्टा पी एक्स बटे पी एक्स। ये डेल्टा क्या है, चेंज को बताता है। पी प्राइस किसकी, एक्स वस्तु की। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन को अगर एस वस्तु की प्रारंभिक कीमत से भाग दे दिया जाए तो वो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है। अब अगर हम इसको हल करें तो क्या आएगा, तो इलास्टिसिटी क्या आ गई, ई पी डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू, ये इसके बटा है, इसके नीचे है तो ये उल्ट जाएगा, ये क्या आ गया, पी एक्स बटे डेल्टा पी एक्स। अगर हम इसको यहाँ लिख दें और ये यहाँ पे ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स। तो ये मांग की कीमत लोच का सूत्र है, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स। तो ये फार्मूला आपने याद करना है और जब भी आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा, जो हमें ये बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग की लोच हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये था मांग की लोच का अर्थ, परिभाषा व उसका फार्मूला। आगे हम करते हैं मांग की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।